हिमाचल प्रदेश एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य है जो अपने प्राकृतिक अजूबों और समृद्ध संस्कृति से लेकर सुंदर घरों तक और प्राचीन संरचनाओं तक कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। लेकिन आज हम आपके लिए कुल्लू जिले के एक अनोखे और रहस्यमय मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें लेकर आए हैं। कभी सोचा है कि 2.5 किलोमीटर ऊँची पहाड़ की चोटी से एक ओर कुल्लू घाटी, दूसरी ओर पार्वती घाटी और सामने पार्वती और व्यास नदी का संगम, कैसा लगता होगा यह नज़ारा? ये मंदिर बिजली महादेव के रूप में जाना जाता है। मंदिर कुल्लू घाटी के सुंदर गांव काश्वरी में स्थित है। इसे भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में भी गिना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिजली महादेव कैसे पहुंचे, बिजली महादेव मंदिर की पूरी कहानी, रोड की स्थिति क्या है, कितने रूट हैं और पैदल ट्रैक की हालत क्या है, और इस ट्रैक में आपको कितना समय लग सकता है, क्या आप वहाँ कैंपिंग कर सकते हैं, कहीं रुक भी सकते हैं, मौसम कैसा होगा, कब जाना ठीक रहेगा, शेयर या बुकिंग की गाड़ी करना सही है या अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, और बाकी जो भी इस ट्रैक या मंदिर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताएंगे। बिजली महादेव तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता मनाली वाले हाईवे से होकर जाता है। इस रास्ते से आपको 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है और ये रास्ता लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर है। दूसरा रास्ता नग्गर विलेज से होकर जाता है जो कि बहुत ही ख़राब है और मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उस रास्ते से जाओ। तीसरा रास्ता है मणिकरण रोड से होके, जिस रास्ते से हम गए थे। इस रास्ते से होकर अगर आप जाते हो तो आपको बस 1 किलोमीटर का ही ट्रैक करना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी कार से आखिरी का करीब 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता पूरा नहीं कर सकते। तो उसके लिए 4x4 के कैंपर्स आपको इजीली मिल जाएंगे। ये 4x4 की कैंपर है, इसको आपको करना ही पड़ेगा अगर आप कसौल से जा रहे हो। रास्ते में जब आप जा रहे होगे तो कई सारी पार्किंग्स मिलेंगी, आप अपनी कार को वहाँ पार्क कर सकते हैं और वहाँ से आप कैंपर को किराए पर लेकर बिजली महादेव के मंदिर तक जा सकते हैं। कैंपर्स का किराया करीब 1500 रुपये होता है, आप जितने भी लोग हों वो आपसे 1500 रुपये ही लेंगे। कैंपर वाला आपको ट्रैक स्टार्ट होने वाले पॉइंट पर छोड़ देगा और जितनी देर भी आपको वापस आने में लगती है तब तक आपका वहीं पर वेट करेगा। तो बिजली महादेव मंदिर का ट्रैक हमने शुरू कर दिया है। वापस ले लो भैया, कितनी दूर है? ये लोग बहुत जोश में भाग रहे हैं आगे भी, इनकी थोड़ी देर में हालत खराब होने वाली है। ये तेरी प्रैक्टिस थी। ऐसा लग रहा है बहुत देर से चल रहा है, लेकिन अभी स्टार्टिंग पॉइंट देखो तो मुझे लगता है 200 मीटर भी नहीं चले थे। ओए ढीठ इंसान, चल ऊपर। ट्रैक की चढ़ाई थोड़ी सी डिफिकल्ट है क्योंकि उसका स्लोप काफी ज्यादा है। थोड़ा थोड़ा प्लेन जैसा रास्ता आने लगा, तो इसका मतलब मुझे लग रहा है हम काफी करीब हैं मंदिर के। मुझे तो पानी की बॉटल ही दे दो, भर लूंगी।
वहाँ पहुँचना है और अभी हम यहाँ पे और वहाँ से हम चढ़े हैं, कितना कवर कर लिया, माय गॉड। बट सीरियसली इट्स ब्यूटीफुल। सबकी हालत खस्ता है रोम्पी रेस लगाते हुए, प्रीति में भी नया जोश आ गया है, मेरी बेटी तो हाई ग्रेड। सबसे पीछे मैं हूँ क्या? बिजली महादेव के ट्रैक पे भाई हमारे गाइड हैं। क्या नाम है भाई आपका? चित्र सिंह भाई। चित्र सिंह, अच्छा आप यहीं पे रहते हो? नहीं। तो यहाँ पे आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में क्या करते हो? हो गए प्लस टू। प्लस टू हो गया, फिर अब? अब कॉलेज? कॉलेज नहीं गया है। अच्छा, और यहीं पे काम करते हो आप? हाँ, घर में। तो आप मतलब कितने लोग आपको गाइड लेते हैं दिन में? ऐसा दिन में कभी दो बार लगता है चक्कर, कभी एक बार। कभी दो बार, कभी एक बार। और रहने का भी आपका घर वर इधर ही है? हाँ, इधर है, नीचे का। नीचे या फिर ऊपर? हाँ, जहाँ आपने गाड़ी पास, जहाँ गाड़ी लेते हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कैसा कितना यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है, खाली रहता है? क्योंकि आज तो खाली लग रहा है। हाँ, रहती है, संडे को रहती है भीड़। अच्छा, सबसे आसान रास्ता कौन सा है यहाँ पे आने का? यही है, यही वाला है। अच्छा, क्योंकि एक रास्ता कुल्लू से और एक नगर से भी है। नगर ओके, बहुत तो खराब है रोड, नगर वाली बहुत खराब है, कुल्लू वाली रोड ठीक है। हाँ, गाड़ी आती है ना वहाँ ऊपर तक। अच्छा, लेकिन उसके बाद उसमें चार किलोमीटर को ज़्यादा, वहाँ से 3-4 किलोमीटर चलना पड़ता है। ठीक है, जब आप पहाड़ों पर घूमने जाएंगे तो हर एक जगह की कोई ना कोई एक पौराणिक कथा ज़रूर होगी। वैसे ही बिजली महादेव मंदिर का भी एक पौराणिक इतिहास है। इस इतिहास के अनुसार कुलांत नाम का दैत्य यहाँ पर सभी जीवों को मारने के इरादे से आया था, इसलिए उसने व्यास नदी के पानी को रोक दिया था। पानी को रोकने के लिए उसने एक बड़े से सांप का आकार ले लिया था। अब महादेव को जब इस समस्या के बारे में पता चला तो समाधान करने के लिए उन्होंने दैत्य का वध करने का ही निश्चय किया। जब वो उस दैत्य के पास पहुँचे, उन्होंने दैत्य से कहा कि आपकी पूँछ में आग लग गई है। ऐसा सुनते ही दैत्य ने जैसे ही पूँछ की तरफ देखा, महादेव शिव ने उसका अंत कर दिया। इसके बाद उस दैत्य का शरीर एक सांप के रूप में बदलकर कुल्लू की पहाड़ी का आकार बन गया। महादेव के आदेश पर हर कुछ वर्षों में मंदिर के ऊपर आकाशीय बिजली इंद्र आज्ञा लेकर गिराते हैं ताकि यहाँ के जीवन पर कोई भी आपदा ना आए। बिजली का आघात अपने ऊपर लेकर महादेव शिव जन जीवन की रक्षा करते हैं। अब बिजली गिरने से हुए आघात के उपचार के लिए मंदिर के शिवलिंग पर मक्खन लगाया जाता है, इसी कारण इन्हें मक्खन महादेव भी कहते हैं। बिजली महादेव का मंदिर है, इसकी स्टोरी क्या है? इसकी स्टोरी है, बिजली गिरती है ना, कोई बोलता है 12 साल बाद नहीं गिरती, कभी गिर सकती है, साल में एक बार कभी भी गिर सकती है। अच्छा, अभी कब गिरी थी आखिरी टाइम? अभी तो गई 5-6 साल। 5-6 साल हो गए, तब से नहीं गिर रही है? नहीं। बर्फ किस मंथ में गिरती है? जनवरी टाइम, जनवरी फरवरी बर्फ गिरती है। दिसंबर लास्ट में स्टार्ट है, दिसंबर लास्ट। बारिश तो अभी जून का एंड, बारिश शुरू हो जाएगा। हाँ, 10-12 दिन के बाद हो जाएगी। देखते हैं, मतलब कम रेट में मिलता है हमारे यहाँ पे तो सर, बाकी हम बाजार से लाते हैं। तो सरकारी राशन वो लोग खुद बांटने आते हैं या फिर आप लेने जाते हैं? स्टेशन कमरा है ना, मतलब बंदा रखा हुआ है सरकारी। अच्छा अच्छा, भंडार घर कहते हैं ना, कुछ कहते हैं वो। अच्छा, तो और घी या फिर और दूध, ब्रेड? दूध ब्रेड तो हम खाते ही नहीं है। अब यहाँ दूध दूध घर में ही होता है, दूध इनका खुद का ही होगा। ब्रेड ब्रेड का सब्जी वब्जी आप लोग खुद ही उगा लेते होंगे? हाँ हाँ, सब हेल्दी खा रहे हैं भाई ये लोग, इसीलिए लंबा जीते हैं हम लोग कह रहे हैं। लाइट कैसा? लाइट फिट भी है ना, फिट भी है। तो
दूध ब्रेड जो खाए हुए थे लोग वो चढ़ नहीं पा रहे थे, भैया थे हाफे ही नहीं वो, वो उसे हाँ वो पूरे हमारे गाइड थे वो तो चलते ही चले गए, पर वो बैठा ही नहीं ना कहीं नहीं बैठा वो। और लाइट का यहाँ पे कैसा रहता है, लाइट कितना आती है? लाइट भाई जब ज्यादा बारिश होती है ना चली जाती है हमारे को लाइट। और कब तक आती है फिर? अब तो सुबह 10 बजे के बाद। अच्छा जब मतलब आएगा कोई नीचे से बनाने। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। क्या नाम क्या है भाई आपका? राकेश। तो भाई आप लोग अगर कभी आओ यहाँ पर तो राकेश भाई की कैब करो, 4x4 की कैंपर है और बहुत ज़बरदस्त कैब चलाते हैं, आराम से इनके साथ जाओ बढ़िया से ले जाएंगे आपको। इस वीडियो में हमारे साथ बिजली महादेव मंदिर की इस यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि इस यात्रा ने आपको इस पवित्र स्थल की शांत और दिव्य सुंदरता का एहसास ज़रूर कराया होगा। यहाँ की यात्रा आपके लिए संतोषजनक ज़रूर रहेगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को मेरा नमस्कार।